जेवर के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्यूजन ऑफ कल्चर नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छोटे और बड़े सभी विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। कार्यक्रम के अंतर्गत एक थीम रखी गई थी, जिसमें भारत के अलावा अन्य कई देशों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। कला और नृत्य के माध्यम से सभी ग्रुप के बच्चों ने अलग अलग देशों के पहनावे, भोजन और विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत किया। लिबर्टी, today we can walk anywhere, we can go anywhere, and we can enjoy everything, we can practice our religion. और आत्मार्पित करते हैं, जय हिंद, जय हिंद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में कल्चरल कार्यक्रम का आयोजित किए जा रहे हैं, उसी की जानकारी लेने के लिए आज मैं यहां आया हूं। क्या कार्यक्रम है स्कूल में आज? स्कूल के अंदर प्रोफेशन ऑफ कार्निवल से, जो कि हम रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के फेस्टिवल्स, उनका कल्चर जैसा वहाँ होता है ऐसा यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे इंडोनेशिया, हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के साथ में और भी कई सारी कंट्रीज को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, उनका कल्चर भी दिखा रहे हैं, वहाँ का फेस्टिवल भी दिखा रहे हैं, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का खान पीन कैसा होता है, वहाँ कैसे लोग पानी पीते हैं, वहाँ पानी की क्या स्थिति है, वहाँ पूरा हिस्ट्री के बारे में हम लोग आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं इसके माध्यम से। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है हमारे भारत में, उसी के उपलक्ष्य में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें सभी देशों के, भारत के अलावा भी दूसरे देशों के कल्चर के बारे में यहाँ अपने अपने कार्यक्रम आयोजित करके बता रहे हैं। बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चों से बात करेंगे। बेटा, क्या तुम्हारा क्या रोल है, क्या कर रहे हैं आप कार्यक्रम में? वी आर डांसिंग इन US डांस, वी आर डांसिंग विद टू सॉन्ग्स इन UK कंट्री विद द सॉन्ग नेम इज राइडेड एंड मी। जो और भी कंट्रीज है उनको भी हमें प्रेजेंट करना है। वी आर रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड वी आर सोर समराइज। यस, वी आर द रिप्रेजेंट द यूनाइटेड किंगडम एंड वी आर द सोर समराइज। तो ये बच्चे, छोटे बच्चे हैं, यूनाइटेड किंगडम को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ का कल्चर क्या होता है, वहाँ का जलवायु क्या है, उस सब के बारे में ये अपने प्रोग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। ये दूसरा ग्रुप है जो कि जापान कंट्री के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में बता रहे हैं बच्चे। हाँ बेटा, क्या क्या देख रहे हैं आप, क्या सीख रहे हैं? सर, इट इज अ कल्चर, इट इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ जापान, इट हेल्ड एन एट एनी इवेंट, इट हैव अ ड्रेस व्हिच कॉल्ड नरुको एंड हैव अ वुडन स्टिक इज आल्सो कॉल्ड अ नरुको, दैट्स अ वेरी हैप्पी कोट। आप हिंदी में भी बता सकते हैं, कंफर्टेबल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जो भी आप सीख रहे हैं यहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। जब हम जापान में ये कपड़े पहनते हैं, इनको हैप्पी कोट कहते हैं, और हम ये वुडन स्टिक यूज करते हैं जो कि हम राइस ग्राउंड से बर्ड्स को उठाने के लिए यूज करते हैं। हाँ बेटा, सर, बाय दिस वी अंडरस्टैंड अबाउट द जापान, व्हाट हैपन इन जापान, विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे वियर, विच टाइप ऑफ फूड दे ईट, एंड विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द जापान, एंड सो मच थिंग वी अंडरस्टैंड बाय द दिस टाइप्स ऑफ ब्रिटिश काउंसिल एक्टिविटीज। मैडम, थीम क्या है कार्यक्रम की, जो आज थीम रखी गई है, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने कार्यक्रम से? इंटीग्रिटी मेनली, आवर स्टूडेंट विल लर्न थ्रू दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स दैट हाउ अदर कंट्रीज अबाउट कल्चर, अबाउट देयर सिस्टम, their costumes and so many things are there in other countries as we are following. We know about, our students are aware about Indian culture, but they are not aware about the other countries. So that's why such type of programs help the students to learn about other countries. तो आपको लग रहा है बच्चे सीख रहे हैं कुछ? Yes, why not? Those are learning and enjoying very well. I wear a fuchsia dress of Japan. It is wear on day average of celebrating ceremonies. Yes. I have worn traditional dress of Japan, kimono. He wore wedding ceremonies. तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बच्चों ने तैयार की है, अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं, एक दूसरे ग्रुप में चलते हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? I am present Japanese soup. Japanese soup, vegetarian, non-vegetarian? Vegetarian. कैसे बनता है बताएं हमारे दर्शकों को, बताएं। Firstly,
I have take 1 cup water and boil it. And second, I am. अगर आपको पता है तो आप हिंदी में बता सकते हैं. मैंने फिर वो सूप का पैकेट जो है वो वेजिटेबल्स डाले थे, सूप का पैकेट डाला था उबलने के बाद उसको, और 1 मिनट वेट किया था फिर तैयार हो गया. आपने क्या बनाया है? सर, आई हैव मेक जापानीज नूडल्स, सोबा नूडल्स. जापानी नूडल्स, चाउमीन? सर, यस सर, सोबा नूडल्स. गुड. तो बच्चे जापानी खाने के बारे में भी बता रहे हैं. अब दूसरा एक ग्रुप है, वहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं, वहाँ जानते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं. इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के बारे में बताया गया है, तो जो बच्चों को गाइडेंस कर रही है टीचर वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या थीम रखी है आपने, ऑस्ट्रेलिया किस तरह का, क्या सिखा क्या रहे हैं? हम सबसे पहले स्टार्ट कराएंगे मदर मैरी से, जो उनका रिलीजन है कि ऑस्ट्रेलिया का मदर मैरी. के बाद हम यहाँ पे उनका फेस्टिवल शो कर रहे हैं डांस के थ्रू, मुम्बा जिसको बोलते हैं, मुम्बा करवा रहे हैं. उसके बाद ये सब फायर के साथ, रिबन्स के साथ फायर फ्लिक्स है जो ये भी फेस्टिवल है इनका. उसके बाद वहाँ का फेमस गेम है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, ये फेस्टिवल है सर. और इसके बाद ये भी रिबन वाला जो है ये भी फेस्टिवल है. तो फेस्टिवल के बारे में बताएं, खाना भी तैयार कराया है आपने ऑस्ट्रेलिया का? जी सर. तो ये जो क्या बोलते हैं इसे, बर्गर तो ये बर्गर का जो जन्मदाता है वो ऑस्ट्रेलिया है? ऑस्ट्रेलिया में सर अलग तरह से बर्गर हम बनवाते हैं. जैसे इंडिया में हम जो बर्गर खाते हैं उसमें टिक्की वगैरह और ऑयली है, बट ऑस्ट्रेलिया के बर्गर में ये यूनिकनेस है कि वहाँ पे बीट रूट होता है जो कि फ्रूट्स के साथ उसमें स्लाइस है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बीट रूट है. और इससे क्या होता है, बेनिफिट होता है हमारे, विटामिन सी वगैरह हम इससे मिलते हैं, तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए ये सारी चीजें. क्या क्या आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? सर, डेविड एंड्रोन वॉर्नर. तो क्या आप कोई प्रेजेंटेशन करेंगे या यहीं पे बस यहीं पे किसी जगह खड़े होकर प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को? सर, प्रेजेंट सर यहीं पर करना है बस. मतलब यहाँ जो ये तंबू लगा हुआ है, जो टेंट लगा हुआ है, यहीं प्रेजेंट करेंगे? वहाँ स्टेज पे आपका कोई कार्यक्रम है? सर नो. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक. ये नेहरू हाउस है, यहाँ जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम है नेहरू हाउस, और यहाँ बच्चे जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनसे पूछते हैं आप क्या चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपका टॉपिक है? हमारी कंट्री इंडिया है और हम घूमर डांस प्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये इंडिया का कल्चर दिखा रहा है आपका ग्रुप? हाँ जी. जैसे और दूसरे कोई जापान है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, तो आप लोग इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं? जी बिल्कुल. हम लोग इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं. इंडिया में लाइक जैसे कल्चर हो गया हमारा, और हमारे ड्रेसेस किस तरह के हम ड्रेसेस पहनते हैं, और क्या हमारे यहाँ क्रॉप्स होती हैं, उस टाइप का कल्चर हम प्रेजेंट कर रहे हैं. हम इंडिया की, इंडिया में क्या खास क्या होता है इंडिया? हमारा जो इंडिया है वो रिलीजन्स को नहीं मानता, वो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है. तो हम अपने इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस को शो कर रहे हैं यहाँ पर. भव्या, किस तरह से आप इंडिया कल्चर को दूसरे देशों के कल्चर से अलग मानती हैं? हमारा इंडिया का कल्चर है उसमें बहुत सारे ट्रेडिशंस अलग तरीके से, जैसे हिंदू मैरिज हमारी जो होती है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, और अतिथि देवो भव जो हमारे इंडियन कल्चर में हम मानते हैं. हम अपने मेहमान को अच्छी से ट्रीट करते हैं. हम अपने कुछ भी पहन सकते हैं, पर उनका तो वही होता है जो सेम है, जो हमारा देश सबसे अच्छा है. तो रावण की भूमिका निभा रहे हैं ठाकुर साहब, बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप. क्या क्या किरदार है, क्या प्रेजेंटेशन देंगे आज आप स्टेज? आई एम द रूल ऑफ रावण एंड द राम किल मी, दिस इज राम. क्या पूरा अपना जो आप क्या प्रेजेंट करेंगे आज वहाँ पे, रामायण प्रेजेंट करेंगे स्टेज पर क्या? आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ द राम एंड आई एम गोइंग टू किल रावण. तो ये भारतीय कल्चर का ग्रुप है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं. सभी देशों के अलग अलग कल्चर, अलग अलग खाना, अलग अलग जो भी वहाँ की परंपराएं होती हैं उनको प्रेजेंट किया गया है बच्चों के द्वारा. 26 जनवरी के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इंडोनेशिया में दिखा रहे हैं कि उसमें रिलीजन कैसा है, और उसमें शादी कैसे होती है, और वहाँ का फेस्टिवल कैसा है, और वहाँ के मॉन्यूमेंट्स कैसे हैं. वेडिंग स्टाइल दिखा रहे हैं हम, उसका पूरा वेडिंग कॉस्ट्यूम भी दिखा रहे हैं, और हम लोग उसके फेमस मॉन्यूमेंट्स जो है वो दिखा रहे हैं. वहाँ की जो सबसे फेमस है वो वर्नाकुलर स्ट्रक्चर्स है, जिनसे हमारे हाउसेस और वहाँ के मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स वो सब बने होते हैं. और वेडिंग स्टाइल हम लोग दिखा रहे हैं, और वहाँ का फूड भी जो होता है वो हमारे इंडिया से ही इन्फ्लुएंस्ड है,
बस फर्क कितना है कि वहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाया जाता है और इंडिया में वेजिटेरियन। हमारा कल्चर इंडोनेशिया है, यहाँ पे मैं ब्राइड बनी हूँ। हमारे इंडोनेशिया में यहाँ पर बहुत अलग तरीके का कल्चर होता है, हमसे वहाँ की अलग, हमारी फूड अलग होता है, उनका अलग होता है, काफी चीजें अलग होती है। तो ये वो बच्चे थे जो किसी न किसी तरह से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल हमेशा से बच्चों के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म लाता है। इस बार अलग अलग देशों की, अलग अलग सभ्यताओं की बारे में, उनका खाना, उनका कल्चर, उनके फेस्टिवल के बारे में अपने कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको इस बारे में बताया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र के बारे में विद्यार्थियों और समाज को नित्य नई जानकारियां देते हुए अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रज्ञान पब्लिक स्कूल नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम में सीओ जेवर शरद चंद्र शर्मा और श्रीमती लता शर्मा मुख्य अतिथि रहे। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके जो चीफ गेस्ट है लता शर्मा जी हमारे साथ हैं। बच्चों का जो कार्यक्रम हो रहा है, मैम ने मुझे बुला था आने के लिए, मैंने सोचा कि नहीं मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि अच्छा लगता है बच्चे जो परफॉर्म करते हैं। तो खासकर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस जगह में, जेवर जैसी जगह में बच्चों को ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम ये है कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल रही है, मैं देख रही हूँ बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। चाहूँगी कि हमेशा ऐसे बच्चे जो हैं खूब आगे बढ़ें, लड़कियाँ खास करके, मेरी भी दो बेटियाँ हैं, तो पढ़े लिखे और जीवन में बहुत ऊँचाई तक जाएं, बस यही कहना चाहूँगी। ब्रिटिश काउंसिल के अंडर में स्कूल एक अवार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं और हम फ्यूजन ऑफ कल्चर आज दिखा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने भी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया था, उसी संदेश को आगे लेकर हम ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों को अपने देश का कल्चर के पता होने के साथ साथ दूसरे देशों का कल्चर भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK, इंडोनेशिया कि कल्चर को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और बच्चों को अपने कल्चर के अलावा उनकी भी जानकारी होती है, क्योंकि ये पूर्व संध्या पर है तो पेट्रियोटिक प्रोग्राम्स भी आज हैं, लेकिन ये ब्रिटिश काउंसिल का प्रोग्राम फ्यूचर ऑफ कल्चर अलग से है। तो ये थी हमारे साथ प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य जो हमें कार्यक्रम के बारे में बता रही थी। सभी देशवासियों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। मैं नीतीश छोगर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। हमारे साथ बच्चियां भी तो हैं।